बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज मैं आपको फूल बनाने का एक लेटेस्ट तरीका बताऊँगी, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है। आप देख सकते हैं हम वीडियो में आपको फूल दिखा रहे हैं, अब इसको हम बनाने का तरीका भी आपको बताएँगे। देखिए, हमने सबसे पहले दो शीट्स लिए हैं। अब हमने प्रकार के ज़रिए एक गोल दायरा बनाया है। अब इस गोल दायरे को हमने काट भी लिया है। अब हमने एक शीट ली है, इसको फोल्ड कर रहे हैं हम। अब इसको गम स्टिक के साथ जोड़ रहे हैं। अब गम स्टिक लगाने के बाद हमने इसकी फोल्डिंग की और इसको फोल्ड करके एक हमने छोटी छोटी कॉन्स बनाई हैं। अब देखिए, हमने काफ़ी सारी कॉन्स बना ली हैं। अब हमने दो कलर्स की कॉन्स बनाई हैं। अब हमने देखें एक दायरे के ऊपर इसको चिपकाना शुरू कर दिया है। ऐसी तरतीब से हम इनको लगाते रहेंगे। पहले हम देख सकते हैं कि हमने एक कलर की लगाई हैं, इसी तरह हम सारी लगाएंगे। अगर हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो अगर आपको, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब देखिए, हमने लाइन में ही लगाई हैं सारी कॉन्स दायरे के ऊपर। ये बहुत ही सिंपल वे है फूल बनाने का। आहिस्ता आहिस्ता हम ऐसे ही लगाते रहेंगे कॉन्स को। अब देखिए, हमने सारी लगा ली हैं। अब हम दूसरे कलर की कॉन्स लगाएंगे, तरतीब से, वैसी तरतीब जैसे हमने पहले तरतीब से लगाए हैं। ऐसे ही लगाते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मोर वीडियोस के लिए। आप देख सकते हैं हम ये कॉन्स को लगा रहे हैं शीट के ऊपर, जो कि हमने गोल काटी थी। ऐसी तरतीब से लगाने के बाद हमने एक शीट ली है ऑरेंज कलर की। एक ऑरेंज शीट ली है मैंने, इसको फोल्डिंग इसकी ऐसी तरतीब वाइज करनी है हमने। अब इसको कटिंग करेंगे। अगर आपने कटिंग का तरीका सीखना है तो हमारी फ़र्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने सारा तरतीब से बताया हुआ है। और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं अब मैं इसको खोल रही हूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा। देखें, हमने इसको तरतीब वाइज रखा है। आप देख सकते हैं मैं इस इतने क्रिटिकल फूल को कितने इजी वे के साथ आपके सामने पेश कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। ये फ्लावर बनाने का बहुत इजी वे है। आप देख सकते हैं इसको अब हम रब कर रहे हैं कैंची के साथ। अब इसकी फोल्डिंग की है, अब इसको हम गम स्टिक के साथ अटैच करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारी वीडियो को। अब हमने इस पर गम स्टिक लगाई है ताकि हम इसको अटैच कर सकें आपस में। ये बहुत इजी वे फ्लावर बनाने का। ये बहुत प्रीटी और ब्यूटीफुल फ्लावर है। आप इससे अपने घर की डेकोरेशन वगैरह भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमने इसे गम स्टिक के साथ अब जोड़ दिया है। अब इसको हम आपस में फोल्डिंग कर रहे हैं फ्लावर बनाने के लिए। अब हमने इसी फोल्डिंग कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम उसी सर्कल वाली शीट के ऊपर लगाएंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। ये नहायत ही आसान इजी वे है आपको फ्लावर सिखाने का। ये घर के किसी भी कोने में आप लगा सकते हैं। घर की डेकोरेशन भी इन फ्लावर के साथ की जा सकती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।